नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, सुखी होना, खुश होना, संपन्न होना, स्वस्थ भी होना। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही लाभदायी रहेगी आप सबके लिए। बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छी जानकारी है सुखी होने के लिए, संपन्न होने के लिए। हम दोस्तों जो हमारा जो रोज का रूटीन है, दिया बत्ती करना, पूजा पाठ करना, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हम सब लगभग आप देखना एक जैसा ही कार्य कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप देखना, किसी के पास ज़्यादा धन है, संपत्ति है, किसी का मान सम्मान समाज के अंदर ज़्यादा है दूसरों के मुकाबले। कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंस है वो आ ही जाता है। क्यों आता है? क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे मैंने बताया सब्जी एक ही है, आप बैंगन की ले, भिंडी की ले, लेकिन सबके बनाने के तरीके अलग अलग हैं। तो पूजा पाठ करने का, जप तप या कोई भी कार्य करने के सबके तरीके अलग अलग हैं। आप जिस तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन जो बताया जाता है उसके अनुसार आप ला करके देखें, आपकी लाइफ में सच में परिवर्तन आ जाएगा, वैसा परिवर्तन जो आप चाहते हैं। तो जो नए नए व्यूवर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पर, मेरी वीडियो की पहली बार विजिट ले रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना दोस्तों। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो शेयर भी अवश्य ही करना। अभी दोस्तों मैं ज़्यादातर देखती हूँ कि लोग उन चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी शेयर करते हैं जो अच्छी नहीं होती है किसी के भी लिए, और उन चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं जो सबके लिए अच्छा है। बिकॉज ये मेंटेलिटी है, अच्छा कुछ जानो तो अपना भला हो जाए, दूसरे का ना हो। अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं, आप भी चाहते हैं कि नहीं सच में ये जानकारी अच्छी है, आपको अच्छी लगी, तो इसे शेयर अवश्य ही करें दोस्तों। बहुत ही पुण्य का काम है, करने के लायक है। तो दोस्तों आज जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ बहुत ही अच्छा है। काम तो आप रोज़ वही करते हैं, बस उसमें थोड़ा सा दोस्तों चेंज कर देना है आपको। करना क्या है? आप जो पूजा पाठ करते हैं, जब आप अपने कुल देवी की पूजा करते हैं तो आप घी का दिया लगाएं। हाँ, यदि शक्य ना हो तो आप तेल का दिया भी जला सकते हैं, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन तेल, यदि जैसे आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हो, माँ गायत्री की, मतलब कोई तामसिक देवी ना हो, तो आप तेल ठंडा ही यूज़ करें, शांत तेल ही यूज़ करें। वहाँ दोस्तों आप सरसों का तेल यूज़ ना करें, मूंगफली का तेल लें। और यदि आप घी का दिया जलाते हैं दोस्तों तो बहुत ही शुभ रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा आप सबके लिए। और दोस्तों उसमें करना क्या है आपको? जो दिया आप जलाते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमेशा जैसे आप एक बड़ा दिया जलाते हैं, एक छोटा दिया जलाते हैं, तो जो छोटा दिया जलाते हैं उसमें एक आड़ी दीवेट रखें और एक खड़ी दीवेट रखें, और उसमें आप घी या तेल डाल करके जलाएं, तो जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं उस देव की पूजा भी होती है, उस देव की जो शक्ति है। जैसे आप भगवान श्रीहरि की पूजा करते हैं तो भगवान श्रीहरि के पूजा के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी हो जाती है, भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा भी कबूल हो जाती है। तो दिया दोस्तों हमेशा इस टाइप का जलाएं। और दोस्तों एक दिया थोड़ा बड़ा जलाएं, ठीक है? उसमें दोस्तों यदि आप माता जी की पूजा कर रहे हैं, माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, या फिर अपने कोई भी कुलदेवी की पूजा कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जैसे आप शत्रु नाश के लिए करते हैं, घर के टोने टोटके के लिए करते हैं, ये सब चीज़ों के लिए दोस्तों अलग अलग चीज़ें दिए में डाली जाती हैं। किसी में लौंग डाली जाती है, किसी में पीली सरसों डाली जाती है, किसी में काली मिर्च डाली जाती है। आप जिस चीज़ को दिए के अंदर तेल में या घी में डाल देते हैं, भले दो या तीन मात्रा में ही डालें, लेकिन उसका काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, और होता ही है दोस्तों, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप सब जानते होंगे दोस्तों जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो लक्ष्मी प्रधान होते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि तिजोरी के अंदर आपको कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स रखने हैं, जिसकी वजह से आपके घर में माता लक्ष्मी का सदैव ही आगमन होता रहेगा, ठीक है? आज दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो हमारे गरम मसाले होते हैं, गरम मसालों में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो लक्ष्मी प्रदान हैं, और लक्ष्मी प्रदान ही है, प्लस आप देखना उन चीज़ों को आप घर के अंदर जैसे जलाते हैं, जैसे तेज पत्ता वगैरह है, जावंत्री है, आप उसको जलाते हैं, आपके घर के अंदर से जो
कितनी ही जो नेगेटिविटी है, बुरी आत्माएं, वो आपका घर छोड़ के भाग जाती है। बहुत ही अच्छा उपाय है दोस्तों, करने के लायक ही। आज मैं आपको बताऊं, जो भी आप दिया लगाते हैं उस दिए में दिवेट, यदि आप माता जी की पूजा कर रहे हैं आड़ी दिवेट रखें, हमेशा दो दिवेट का दिया जलाएं। और दोस्तों दिए के अंदर आपको रखना है, डालना है कपूर, एक कपूर की गोटी आप हमेशा दिए के घी में डाल दें। घर में दोस्तों लक्ष्मी उमड़ पड़ती है। इलायची, इलायची दोस्तों लक्ष्मी प्रदान है। जब आप माता जी की पूजा करते हैं, मैंने काफ़ी वीडियोस डाल रखी हैं पहले भी, माता लक्ष्मी की पूजा में किस तरीके से आपको इलायची का जोड़ा चढ़ाना है। तो दोस्तों जब आप माता लक्ष्मी का दिया लगाएं या आपकी कुल देवी का दिया जलाते हैं, उसमें भी दोस्तों इलायची अवश्य ही डालें। इलायची डालने से दोस्तों आपके घर में लक्ष्मी उमड़ पड़ती है, सतत लक्ष्मी का आगमन आपके घर में बना रहता है। और दोस्तों जरा सी आपको डालनी है जावंत्री। जावंत्री से दोस्तों आपके घर में लक्ष्मी का भी आगमन होता है, प्लस आपके घर में जो बुरी बलाएं हैं वे चली जाती हैं। कितनी बार ये होता है दोस्तों, हम एक ही तरफा उपाय करते हैं और हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे कि हम लक्ष्मी आने के लिए तो प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर की जो नेगेटिविटी है उसको घर से निकालने के लिए हम कोई प्रयत्न नहीं कर रहे होते हैं। तो जब भी आप काम करें तो दोनों ही तरफ, दोनों ही पासे को देख करके, दोनों ही साइड, किसी भी घटना का, कोई भी क्रिया का, दोनों ही तरफ आप देखें कि क्या करने से क्या हो रहा है। कितनी बार मैं देखती हूँ कि हमने ये क्रिया की पर हमें इसका रिजल्ट नहीं मिला। हमेशा खुद आप अपने दिमाग से सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है, और जो दूसरी चीज़ उसके साथ करने के लायक है उसे अवश्य ही शुरू करें। तो यदि दोस्तों आप चाहते हैं घर के अंदर धन और लक्ष्मी सदैव बनी रहे, सदैव घर के अंदर लक्ष्मी का आगमन होता रहे, तो जो घर का जो आपका मेन दिया जल रहा है, जो आप मुख्य दिया जलाते हैं, उस दिए के अंदर कपूर, इलायची और जरा सी जावंत्री अवश्य ही डाल करके जलाएं। बहुत ही शुभ है दोस्तों ये, बहुत ही शुभ है। घर में हमेशा लक्ष्मी का आगमन बना रहेगा। और जब वो बच जाती है, जैसे कि कपूर है, कपूर जल जाएगा, इलायची है, जावंत्री है, जो थोड़ी बहुत बच जाती है, जब आप नेक्स्ट टाइम उस क्रिया को करते हैं तो आप नए तरीके से नई इलायची डालें, नई जावंत्री डालें, जो पुरानी है उसे निकाल दें, बहते पानी में बहा दें, ठीक है। और एक बात दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो व्यूअर्स, जो सब्सक्राइबर्स ये चाहते हैं कि उन्हें अर्जेंट बात करनी है मुझसे, तो वे अपना ज्वाइन बटन शुरू कर सकते हैं। ज्वाइन बटन हमने शुरू कर दिया है। और जो भी क्रियाएं मैं आपको बताती हूँ उसको समझने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती है, कोई ऐसी बात है जो आपके समझ में ना आती हो, पूछिए अवश्य। तो करते रहें दोस्तों, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।